आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एटम। ठीक है, हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी। ग्रीक वर्ड में एटम को एटमॉस कहते थे। इट मींस विच मींस इंडिविजिबल, यानी अनएबल टू बी डिवाइडेड, जिसको फर्दर आगे हम नहीं डिवाइड कर सकते थे। नाउ साइंटिस्ट ऑल्सो हैव डिस्कवर दैट एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, अब इट मीन्स के इसकी डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन क्या होगी? हम ये कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज़ कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं किसी मैटर की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो किससे मिलकर बनती है? वो एटम से ही बनती है। नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ठीक है, अब इसमें ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें देखिए, इसका एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिट होते हैं, और डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते तो उसे एज अ होल हम न्यूक्लॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये डिफरेंट ऑर्बिट में जो है वो मूव करते रहते हैं। यानी एक ऑर्बिट और मैं बना देती हूँ, ये देखें। ठीक है, ये यानी डिफरेंट ऑर्बिट में क्या है, यानी इस एरिया में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अब आ जाए एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। और मास नंबर क्या है? मास नंबर जो है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। उसको कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। अब किसी भी कोई भी एलिमेंट, अगर हम कोई भी एटम लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं? ए और जी, यानी ए जो है वो किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जी क्या शो कर रहा है? वो हमें मास नंबर को शो कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो हम ऊपर लिखेंगे और मास नंबर जो है वो नीचे लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर इसका क्या है? 12 है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इसमें कितने आ रहे हैं? 6। ठीक है, ये हमारा ए जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को शो कर रहा है। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी 12 - 6, 6। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्या आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर ही होता है, यानी वो भी क्या आ रहा है? हमारे पास 6 ही आ रहा है। यहाँ से अगर आप डायग्राम देखें, आपके बुक में डायग्राम दी गई है, देखें कार्बन, कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखें, काउंट करें, तो वो भी क्या आ रहे हैं? वो 6 ही आ रहे हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और इसका मास नंबर कितना है? 23। अब हम इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो ए जो है वो शो क्या करता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन किसमें कितने आ जाते हैं? 11। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यानी 12। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर ही होता है, तो वो ई जो, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है। तो यहाँ से देखें, आपकी बुक में सोडियम को भी दिखाया गया, ये देखें सोडियम को भी दिखाया गया। इसमें ये देखें 11 जो है इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो वो कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी हैं वो कितने आ रहे हैं? 11। यानी इस तरीके से हम किस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने मौजूद हैं। अब इसी का एक और टॉपिक है हमारे पास, एटॉमिसिटी।
लास्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। अब और इसमें एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो आपस में बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अब इसकी सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ क्या है, दो एटम्स हैं और ये मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसके अंदर दो एटम है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2। H रिप्रेजेंट करता है सिंबल फॉर हाइड्रोजन, और 2 क्या है इसकी एटॉमिसिटी, यानी 2 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये है O3, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं, 3 एटम आ रहे हैं। तो ये ओजोन का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी O3। तो इसमें इसकी जो एटॉमिसिटी है वो क्या है, 3 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं एटम जो कि जिनके अंदर एटम जो है वो सिंगल होता है, ठीक है। जैसे ये हीलियम और आर्गोन है, इसके अंदर एटम एक ही है, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी जिसे हम क्या कहेंगे, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी जो है वो 3 से भी ज़्यादा होती है, जैसे ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये देखिए अमोनिया, इसके अंदर देखें अगर आप नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 3 है, यानी 3 से ज़्यादा इसके अंदर एटम आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, नहीं आ रहा है तो मैं सही दस यही नहीं।